हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके चैनल HS बैंकर के ऊपर। तो सबसे पहले वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं एक चीज़ आपको बताना चाहता हूँ। अगर आपके पास ऐसा कोई क्वेश्चन है, आप चाहते हो मैं इसके ऊपर वीडियो बनाऊँ, तो आप वो क्वेश्चन मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के टाइप करके भेज सकते हो। लेकिन दोस्तों, आपको क्या पूरे का पूरा वैसे का वैसा टाइप करके भेजना जैसा कि बुक में अवेलेबल है, तो मैं उसके ऊपर वीडियो बना के एक या दो दिन में वीडियो अपलोड कर दूंगा। आप मेरे चैनल पे जाके वीडियो देख सकते हो, या फिर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और आपको वीडियो का नोटिफिकेशन सीधा ही मिल जाएगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो इस टाइप के क्वेश्चन में हमें क्या करना होता है, जो बीच वाला होता है उसको दो भागों में डिवाइड करना होता है। ऐसे डिवाइड करना है कि उनका दोनों भागों को अगर आपस में मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो इसके थर्ड वाले के बराबर आ जाए। तो हम क्या करेंगे, इसको 12 और 7 में तोड़ लेंगे। चलिए मैं तोड़ के दिखा देता हूँ आपको। एक्स स्क्वायर माइनस 12x माइनस 7x, 12 और 7 कितना हो गया, 19 हो गया। माइनस माइनस से तो दोनों प्लस हो जाएंगे, ठीक है। और 12 को 7 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो 84 आ जाता है। तो आपको भी वैसे करना है, दो भागों में तोड़ना है। ऐसे तोड़ना है कि मल्टीप्लाई इसके बराबर आ जाए और प्लस करें तो इसके बराबर आ जाए। अभी हमें क्या करना होता है, फर्स्ट और सेकंड में से कॉमन निकालना होता है। यहाँ से देख सकते हो, ओनली इसमें और इसमें से क्या कॉमन निकाल सकते हो, x निकाल सकते हैं ना। x के अलावा कुछ नहीं निकाल सकते। यहाँ पे एक्स स्क्वायर है तो यहाँ पे सिंगल x बच जाएगा, और यहाँ पे x निकल गया तो ओनली 12 बच जाएगा। अभी हमें इस थर्ड और फोर्थ में भी कुछ ऐसा कॉमन निकालना होता है कि अंदर इतना बच जाए, जो इसके अंदर बचा x माइनस 12 बचा, इधर भी x माइनस 12 बच जाए। तो उसके लिए हमें क्या निकालना होगा, माइनस का 7, क्योंकि यहाँ पे हमें माइनस चाहिए अंदर में और यहाँ पे x चाहिए, तो 7 ही निकाले हमने। x के साथ 7 कॉमन निकालोगे तभी तो अंदर x बचेगा। x माइनस 12 इजिकल टू 0। तो अभी हमें क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप रहता है x माइनस 12, इधर भी x माइनस 12 इधर भी है, इन इसी को कॉमन निकालना है। x माइनस 12 को ही कॉमन निकालना है, ठीक है। अंदर क्या बचेगा, यहाँ से निकाले तो यहाँ का x बच गया, और यहाँ से क्या बच गया, ये माइनस 7, ठीक है, इजिकल टू 0। अभी हमें क्या x की वैल्यू पता करनी है, हम क्या करेंगे, दोनों को बराबर है 0 पुट अप कर लेंगे, x माइनस 12 को और x माइनस 7 को। x माइनस 12 इजिकल टू 0, x माइनस 7 इजिकल टू 0। तो x की वैल्यू यहाँ पे ये 12 उस साइड जाके प्लस हो जाएगा, और यहाँ से x की वैल्यू ये 7 दूसरी साइड जाके प्लस हो जाएगा। तो 12 और 7 यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो आ जाता है। उम्मीद है समझ आ गया होगा, सिंपल था। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।